Hello friends, we are going to deal the Hindu analysis, today's newspaper, 3rd November. GI tag for traditional choice cheers AP artisans. GI tag हमेशा news में रहता है. इस बार भी आपका पिछली बार की तरह जो बेंगलेना मैंगो को मिला था, ठीक उसी तरह से इस बार भी traditional choice artisans 80 को पक्का विलेज में विलेजर्स को मिला है. 80 को पक्का विलेज ऑफ विशाखापट्टनम जो कि सिचुएटेड है आपका बैंक ऑफ रिवर वराहा. जनरली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जो विलेज है वो कहाँ सिचुएटेड है, किस रिवर पे, ठीक है. उसके बाद आपका जीआई टैग इज़ गिवन टू सच प्रोडक्ट्स विच बिलोंग टू स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन और ऑरिजिन. बेसिकली क्या होता है कि आपका जीआई टैग मिलने से एक एक्सक्लूसिविटी आ जाती है कि ये जो प्रोडक्ट है वो उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा सेल किया जाएगा, उन्हीं लोगों का ये प्रोडक्ट होगा, ठीक है. और ये जो आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज है इन लोगों का, आर्टिशंस ऑफ इटिकोपक्का विलेज का, वो करीब करीब 400 साल पुराना है, ठीक है. और टॉयज आर मेड अप ऑफ, अब ये टॉयज कैसे होते हैं, तो ये टॉयज वुड के बने हुए होते हैं और पेंटेड विथ नेचुरल डाइज जो कि इनको यूनिक बनाता है. ओके, दे मेक्स देम यूनिक. नाउ वुड इज़ फ्रॉम अंकुडीकारा. अंकुडीकारा एक ट्री का नाम है जिससे इस टॉय को बनाया जाता है. एंड आर्ट इज़ कॉल्ड वुड लेकर क्राफ्ट. आर्ट का नाम है वुड लेकर क्राफ्ट. तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन वन लाइनर के हो सकते हैं कि फ्रॉम अंकुडीकारा विच टाइप ऑफ आर्ट इज़ फॉर्म. सो दिस आर्ट इज़ कॉल्ड वुड लेकर क्राफ्ट. नेक्स्ट, जो इस बीच में आपका जीआई टैग्स मिला हुआ है लोगों को, वो जैसे किन प्रोडक्ट्स को मिला हुआ है, तो एक है बेंगलाना पल्ले मैंगो फ्रॉम एपी जो पिछले साल मिला था इनको, मतलब इसी साल मिला था करीब जून जुलाई के आसपास. और गोविंद भोग राइस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, नीलाम्बर टीक फ्रॉम केरला, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, सोलापुर पोमीग्रेनेट, जलगांव ब्रिंजल, पुरंदर फिग, वैगॉन टर्मरिक, जलना स्वीट ऑरेंज एंड सांगली रेजिन्स. इन 10 जो रिसेंट हैं उनका नाम मैंने डाला हुआ है कि ये जीआई टैग में इन सब प्रोडक्ट को शामिल किया गया है. नेक्स्ट जो है वो आपका आज के हिंदू न्यूज़ में था, ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व टू कम अप इन यूपी. सो इट इज़ इन द ट्रांस यमुना रीजन ऑफ मेजर फॉरेस्ट डिवीजन दैट इज़ नोन फॉर रॉकी एंड एरिड टेरेन. सो ये आपका इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो ब्लैक बग थे वो आपके ऐसे ही ट्रांस यमुना रीजन में ग्रेजिंग करते हुए पाए जाते थे. तो यूपी गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 36A ऑफ एंड टू, 36A का सबसेक्शन 1 और 2 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये डिसीजन लिया है कि अब एक्सक्लूसिवली ब्लैक बग को कंजर्व करने के लिए ट्रांस यमुना रीजन में इसको बनाया, ये आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बनाया जाएगा. और इससे पहले जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी वो आपकी गुजरात में है, एक वेलावदार एंड रानी बेनूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कर्नाटका में है. और इस सेंचुरी के लिए 126 हेक्टेयर ज़मीन दिया गया है, यूपी गवर्नमेंट ने अक्वायर किया है इसको. और ऐसा अनुमान है कि 350 ब्लैक बग इस रीजन में पाए जाते हैं.
और ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। दोस्तों एक न्यूज़ है, दिल्ली गवर्नमेंट कांट सिट ऑन गवर्नमेंट स्कीम। ये कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है। ये हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि नहीं, जो सर्वे सर्वा होते हैं दिल्ली के वो एलजी होते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, जो यहाँ की आप गवर्नमेंट है या फिर कोई दिल्ली की गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो अगर वो कुछ एडवाइस करती है तो उसका अगर एलजी और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिफरेंस इन ओपिनियन है तो उसको फिर रेफ़र उनको करना होगा प्रेसिडेंट को, क्योंकि जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र होते हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड होते हैं, तो इसलिए जो भी कुछ भी डिफरेंस इन ओपिनियन होगा वो प्रेसिडेंट को रेफ़र किया जाएगा। ये डी वाई चंद्रचूड़ ने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी 5 जज की, उसके तहत ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। आपको थोड़ा सा दिल्ली के बारे में बता दें कि दिल्ली का जो गवर्नमेंट है, जैसे हर एक यूनियन टेरिटरी में तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, दिल्ली में एक्चुअली 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ताकि यहाँ पे भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। और सब सेक्शन 4 ऑफ आर्टिकल 239 AA ये एक्सप्लेन करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल एड एंड एडवाइस द एलजी रिगार्डिंग लॉज मेड बाय द असेंबली। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये डिफरेंस इन ओपिनियन हो क्यों रहा है। तो एक तरफ तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करती है, दूसरी तरफ ये जो आर्टिकल 239 AA का सबसेक्शन 4 है वो केवल वैसे लॉज पर एड एंड एडवाइस देने की बात करता है जो कि दिल्ली के असेंबली के द्वारा बनाया गया है। तो बाकी फिर जितने लॉज दिल्ली के लिए बने हुए हैं उसमें फिर ये आ जाता है कि कौन किसकी बात सुनी जाएगी, एलजी या दिल्ली गवर्नमेंट की। तो इस ये कंट्रोवर्सी इसलिए आया था कि एलजी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंस इन ओपिनियन हो रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसमें कह रही है कि एलजी अपने डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगी, और अपने डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज़ ना करे, एंड कोई भी रेफर जिसमें डिफरेंस इन ओपिनियन होता है उसे वो ट्रांसफ़र कर दे प्रेसिडेंट को, ताकि प्रेसिडेंट उस पर फाइनल डिसीजन ले पाएँ। इसके बाद GST एंड ग्लीचेस, अभी हाल फिलहाल में जो कल परसों तक था, 30th अक्टूबर तक था डेट कि GSTR को फाइल किया जाएगा, GSTR 2 एंड 3 फिर से डेट उसका बढ़ा दिया गया है। कारण ये है कि फिर से लोग अपना टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ इशू थी। हालांकि ये जो GSTR का है, टेक्निकल वाला जितना भी IT रिलेटेड पोर्टल है वो इन्फोसिस के द्वारा देखा जाता है, तो इन्फोसिस हालांकि ये क्लेम कर रही है कि अभी उसने काफ़ी हद तक इसको रिजॉल्व कर लिया है, अपने काफ़ी एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स की मदद से इसको रिजॉल्व करने में वो लगी हुई है, और ऐसा उसका दावा है कि वो बहुत जल्द इसको कवर अप कर लेगी। नेक्स्ट आपका, अब बात उठती है कि GSTN होता क्या है। तो GSTN एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटायर GST से रिलेटेड IT सिस्टम को मैनेज करता है। अब GSTN पोर्टल क्या करती है, तो GSTN पोर्टल गवर्नमेंट को इंटायर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसका डेटा देती है, और GSTN में किस किस का शेयर है, तो बेसिकली 49% शेयर गवर्नमेंट का है और 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर का है, 24.5 शेयर जो इक्वली डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में 49%, इसमें 24.5% शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 24.5% शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड फर्दर 10% ईच ऑफ HDFC, HDFC बैंक, ICICI बैंक, NSE स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, और 11% ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस का इसमें शेयर है। अब होता क्या है GSTN के तहत कि जितने भी यूज़र्स हैं उन यूज़र्स को गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जो कि हर एक यूज़र का यूनिक होता है, और इस नंबर को लिंक किया जाता है टैक्स पेयर्स के पैन नंबर से। और इट्स मेन वर्क इज इनवॉइसेस, वेरियस रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशंस एंड पेमेंट एंड रिफंड्स। इस बात को समझते हैं कि होता क्या है कि इनिशियली आप किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्स पे करते हैं, और जबकि मतलब GST कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है,
तो फाइनली जो टैक्स पे करना है वो कंज्यूमर को करना है, तो आपको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट्स मिलते हैं, ताकि आपने जो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो ये सारा कुछ इसी पोर्टल के तहत किया जाता है। रजिस्ट्रेशन, जैसे किसी नए यूज़र को रजिस्टर करना है तो वो भी इसी पोर्टल के तहत होगा। वेरियस रिटर्न्स, वेरियस रिटर्न्स में एक्चुअली क्या है कि कुछ टेम्प्रेरी प्रोविजंस हैं, जैसे कुछ स्टेट्स को कॉम्पेंसेटरी कॉम्पेंसेशंस दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो वैट था उस वैट के तहत उनको और वैट से जीएसटी में स्विच करने के बाद उनको लॉसेस हो रहे थे, तो उस लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए उनको रिटर्न्स दिया जाता है। इन द सेम वे पेमेंट्स एंड रिफंड्स, पेमेंट्स एंड रिफंड्स, जैसे कि आपका किसी भी कोई भी जो टैक्स पेयर है, अगर वो अपना ये क्लेम करता है कि वो उसने दो जगह टैक्स पे किया है, तो उसको फिर एक जगह से रिफंड हो जाता है, लेकिन इन द फर्स्ट इंस्टेंस उसे दोनों ही जगह दिखाना होता है कि उसने टैक्स पे किया है। तो इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ये जीएसटीएन नेटवर्क ही सॉल्व करती है। नेक्स्ट, ड्रग फॉर्म्स में फेस यूएस प्रोब। जनरली जेनरिक ड्रग का अभी काफ़ी इश्यू चल रहा है इवन इंडिया, और अभी एक प्राइस कॉन्स्पिरेसी यूएस में देखने को आया है, जिसको कि रिवील किया है यूएस वॉशिंगटन के अटॉर्नी जनरल बॉब फर्ग्यूसन ने। उन्होंने ये प्रूव किया है कि एक्चुअली जो कंपनीज हैं उनके बीच में एक ड्रग के लिए प्राइस फिक्सेशिंग चल रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि प्राइस वहाँ पे किसी किसी प्रोडक्ट्स का मोर देन 1000% बढ़ गया, और ऐसी जो कंपनीज हैं उनके नंबर 6 से 18 बताए जा रहे हैं, और उन कंपनी ने जो ट्रांसपेरेंसी करी है उस ड्रग्स की क्वांटिटी करीब 2 to 15 बताई जा रही है। सो ये है कि ड्रग फॉर्म्स में, और इसमें एक्चुअली अब इसको इंडिया के रिलेट में इसे अगर रिलेट करके देखें तो इंडिया में भी अभी कुछ जो आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने भी ये डिसीजन लिया है कि बहुत सारे जो ड्रग्स हैं जो कि अनअफोर्डेबल है बहुत मासेस के लिए, उसको कैप उस पर कैप लगाया जाए, जैसे आपका स्टेंट के ऊपर, ताकि आपका उसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि उसके रिपरकशंस भी हैं, ताकि अब लोग ये अवॉइड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी सफरिंग्स भी हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन सही है कि उसने क्या किया, अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करी है। थैंक यू।
टॉपिक्स ने डिस्कस किए उनके लिए एक पिक्चर लाओ और बाहर करो, करके ही जाओगे अपलोड करके क्या होगा, लाइव तो चल रहा।